हेलो गाइस, वेलकम टू मेधास हल्द्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास में परमार वंश की या पवार वंश की, परमार डायनेसिटी या पवार डायनेसिटी की हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसलिए जो है इसे हमें देखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो गाइस, ये उत्तराखंड का इतिहास में हम डायरेक्ट पवार वंश से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है गाइस, पीछे के चंद वंश जो लेक्चर है, चंद वंश का इतिहास हम कवर करेंगे, कार्तिकेयपुर कुलिंद वंश और जो प्राचीन इतिहास है उसको भी हम वहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं गाइस पवार वंश के काल या समय को लेके। तो गाइस 688 ईस्वी से लेके 888 ईस्वी, ये दो जो हैं डाटा मिलते हैं, 688 और 888 ईस्वी। जो 688 ईस्वी ये बताया है इतिहासकार हरिकृष्ण रतुड़ी ने कि पवार वंश का जो उदय हुआ था 688 में हुआ था। साथ में श्री बैकट ने, साथ में बालकृष्ण शांति भट्ट ने, कवि देवराज कृत गढ़वाल, राजा वंशावली और डॉक्टर पातिराम, इनका मत है कि पवार वंश का उदय या पवार वंश की स्थापना हुई थी 688 ईस्वी में। साथ ही साथ गाइस, इधर जो दूसरा डाटा हमें देखने को मिलता है ये मिलता है 888 ईस्वी, और इतिहासकार हरिकृष्ण रतुड़ी यहाँ फिर अपनी बात से पलट गए और यहाँ पर भी इन्होंने एक किताब में दोबारा से जो है ये डाटा बताया 888 ईस्वी, और भक्त दर्शन ने भी जो है 888 ईस्वी जो है पवार वंश का जो है स्टार्टिंग टाइम पीरियड बताया है, ठीक है ना गाइस। इसके अलावा जो पवार वंश है ना, इसमें टोटल जो होते हैं 60 राजा होते हैं, याद रखिएगा, टोटल 60 राजा होते हैं, और लगभग 1061 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और 888 ईस्वी से 1490 ईस्वी तक जो है कनकपाल से लेके अजयपाल तक जो है बहु अराजकता का काल रहता है। हालाँकि जब अजयपाल आएगा आगे, तो यहाँ थोड़ा सा 1490 से 804 ईस्वी ये अजयपाल के ही समय से स्टार्ट होगा, श्रीनगर काल के नाम से जाना जाता है। और उधर 1815 से लेके 1949 तक टिहरी रियासत के नाम से हम ये इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है ना, परमार वंश को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। अब बात करते हैं संस्थापक की। तो गाइज, इधर भी जो है काल या समय में जो अपवाद है, ऐसी जो है संस्थापक को लेके भी है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। हालांकि अजयपाल जो हैं 37वें नंबर के शासक होते हैं, आगे हम इन बातों को कवर कर लेंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास में यही सबसे बड़ा जो है कन्फ्यूजन रहता है और इसी को आज हम कवर कर रहे हैं। तो अजयपाल जो है पवार वंश का संस्थापक था, ये बताया शिव प्रसाद डबराल ने, जिन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है। इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण जो है इनको जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज आगे बात करते हैं स्रोत की। तो कनकपाल ही पवार वंश का संस्थापक था, ये जो है किसने बताया है, तो श्री बैकट ने बताया है, कैप्टन हार्डविक एटकिंसन ने भी बताया है, हरिकृष्ण रतुड़ी और डॉक्टर पातिराम, इन सब ने भी बताया कि जो कनकपाल है ना, यही पवार वंश का संस्थापक था। जो अन्य कुछ स्रोत हमें मिलते हैं, ये भवनपाल या भवनपाल है, ठीक है ना, ये मौलाराम, ये ललिसा के राज्य का भी हैं, इन्होंने भी यही बताया है, और सोनपाल या स्वर्णपाल को भी जो है पवार वंश का संस्थापक बताया गया है। हालाँकि सोनपाल या स्वर्णपाल आगे जब हम पढ़ेंगे देखेंगे कि ये क्या हैं, तो गाइज ये हैं 24वें नंबर के शासक हैं। तो गाइज इस तरीके से जो है याद रखिएगा, आगे पूरी डिटेल करेंगे। हालांकि जो संस्थापक है वो कनकपाल होगा, अजयपाल 37वें नंबर के शासक होंगे, टाइम पीरियड 888 ईस्वी को हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं संस्थापक की। तो कनकपाल ही संस्थापक था, ये क्या किस आधार पर बताया है, प्लस इनकी जो वंशावलियाँ हैं उनको भी अभी हमने जानना है। सबसे पहला मत देखते हैं, हार्डविक का इतिहासकार है, इन्होंने वंशावली के आधार पर जो है ना 1796 में बताया कि कनकपाल ही जो है पवार वंश का संस्थापक था। सेकंड जो मत है, श्री बैकट हैं, इन्होंने एक वंशावली को प्रस्तुत किया जो कि सभासार नामक ग्रंथ से मिलती है। ये सभासार नामक ग्रंथ जो है ना सुदर्शन शाह द्वारा कृत है, यानी कि इनके द्वारा रचित है 1828 में, और इसी को प्रमाणित भी माना गया है गाइज, क्योंकि एक राजा ने जो है स्वयं राजा है और अपनी वंशावलियों के बारे में उसे बेटर जानकारी हो, इसलिए जो है इसे प्रमाणित माना गया है। तो ये बात है।
तीसरी है श्री विलियमसन, इनका भी सेम ही मत है, वंशावली आधारित। चौथा है एटकिंसन, इतिहासकार है फेमस, आगे बहुत कुछ इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये इन्होंने जो है एक सीरीज बोल सकते हैं या सूची बोल सकते हैं हम, ये अल्मोड़ा के किसी पंडित के संग्रह से जो है कलेक्शन किया होगा, तो उनसे जो है इन्होंने जो है ये डाटा ले लिया और इस तरीके से इन्होंने बताया कि कनकपाली पवार वंश का संस्थापक था। हालांकि डॉक्टर पातिराम ने बताया कि जो कनकपाल है ये मालवा से आया था और ये जो है चंद्रवंशी था, और ये जो है गढ़वाल शासक सोनपाल का उत्तराधिकारी था। बाद में सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करा दिया, इस तरीके से इसने पवार वंश की स्थापना की। ये बात बताई है स्वर्णपाल की जो पुत्री है उससे विवाह होने के लिए, ठीक है ना, डॉक्टर पातिराम ने जो है ये बातें बताई हैं। हालांकि जो है गाइज आगे अब हम देखने वाले हैं जो ये मालवा के परमारवंशी राजा हैं, थोड़ा सा इनका इतिहास, क्योंकि जो गढ़वाल का पवार वंश है परमार वंश है इनसे जो है ये मिलता है। जो परमार है ना ये राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे गाइज। हालांकि जब भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आगे जो है इन्हीं में राष्ट्रकूटों में ही जो शेयक द्वितीय है या श्री हर्ष बात है 945 से 72 की, तो इसने परमार वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया। ये सामंत बोल सकते हैं कि गुलाम थे पहले और बाद में इसने मुक्ति दिलाई, किसने, तो श्री हर्ष या शेयक द्वितीय ने, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइस, जो श्री हर्ष है इनके दो पुत्र थे, पहला था मुंज, ये मुंज जो है दत्तक पुत्र था अर्थात गोद लिया पुत्र था, और दूसरा था सिंधुराज जो कि दत्तक पुत्र मुंज के गोद लेने के बाद ये जन्मा था। चालुक्य नरेश तैलब द्वितीय से जो है ये मुंज जो कि दत्तक पुत्र है 6 बार हारा था, लेकिन 7वीं बार इसने तैलब द्वितीय को पराजित करके स्वयं जो है ये जीत जाता है। आगे बात करते हैं गाइज गुज्जर प्रदेश की, तो इसमें मेवाड़ गुजरात और महाराष्ट्र को शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर से अब अगले गढ़वाल में परमार वंश की या पवार वंश की, ठीक है ना। हालांकि गाइज हमें देखने को मिलता है ना कहीं कहीं एक किताब में नालंदा अभिलेख के अनुसार जो पाल शासक हैं धर्मपाल नालंदा अभिलेख के अनुसार जो पाल शासक ये धर्मपाल था इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अब गढ़वाल कौन सा गढ़वाल था ये पता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको उत्तराखंड का गढ़वाल से भी कहीं कहीं पर रिलेट करके बताया गया है, ठीक है ना। तो ज़्यादा इस पर हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, इस पॉइंट ये पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं गढ़वाल के परमार वंश की, तो गाइज बात करेंगे कनकपाल की। तो गाइस यहाँ याद रखना कनकपाल ने लगभग 11 वर्षों तक शासन किया और इसे गढ़वाल का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हरिकृष्ण रतुड़ी की, तो हरिकृष्ण रतुड़ी ने बताया कि जो एक कनकपाल है ये धारा नगरी गुजरात से आया था और ये भानु प्रताप शासक था उस समय यहाँ पर जब ये आया, और ये भ्रमण पर आया था बताया जाता है, ठीक है ना। भानु प्रताप इससे काफ़ी प्रभावित हुआ बताया जाता है, और जब प्रभावित हो गया तो राजा प्रभावित होकर तो बात में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इससे करा दिया और दहेज में चाँदपुर गढ़ी को दे दिया, और इसी चाँदपुर गढ़ी को बाद में कनकपाल द्वारा बाद में जो है ये राजधानी बनाया गया कनकपाल द्वारा, और इस तरीके से जो है यहाँ पर परमार वंश की स्थापना हो गई, ठीक है ना। तो ये बातें थी कनकपाल को लेके। अच्छा आगे बात करते हैं अगले एटकिंसन ने क्या मत दिया है, तो एटकिंसन ने बताया कि धारा नगरी का पवार वंश का एक युवक जो कि पर्वतीय क्षेत्र के पवित्र स्थानों पर भ्रमण के लिए आया था, तो यहीं जो है सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह इससे कराया प्रभावित होकर और चाँदपुर गढ़ी को दहेज में दे दिया, और इस तरीके से इसने परमार वंश की स्थापना की। और बोल्टन इतिहासकार हैं उन्होंने भी जो है एटकिंसन के इन बातों का समर्थन किया है। इसके अलावा गाइस बात करते हैं डॉक्टर भक्ति दर्शन की, तो भक्ति दर्शन ने कहा कि ये जो कनकपाल है धारा नगरी से आया हुआ था और गढ़वाल नरेश परमार वंश के ही थे, तो ठीक है ना, और राजपूतों और क्या इन्होंने बताया वो भी आगे देखिए। जो राजपूतों की उत्पत्ति है ना ये आबू में अग्निकुंड से हुआ था, और उनमें से एक जाति थी गाइस परमार, और यहीं जो है चंद्रपुरी नामक एक नगर भी बसा था जो कि पहले परमारों का राजस्थान में एक प्रचलित स्थल था, तो इसलिए जो है गाइस इन्होंने जो है बताया ये आधार, ठीक।
आगे थोड़ा सा और चीज़ें बात करते हैं, जो माउंट आबू है गढ़वाल में जो कुछ जगह और चीज़ें हैं उनमें क्या समानताएं हैं, क्यों ये बातें बोली गई हैं कि ये वहाँ से थे। तो गाइज उत्तरकाशी का जो गोमुख है और आबू में जो गोमुख है ना, इनकी जो है बनावट सेम है, इसलिए ऐसे ही स्वात घाटी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ, और अगर भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे स्वात घाटी पाकिस्तान की भी। और आगे बात करते हैं अभी गाइज मंदाकिनी गंगा की सहायक नदी पवित्र, और मंदाकिनी कुंड जो है ये भी पवित्र माना गया है, दोनों सेम है। कोटे शैली कोटेश्वर टिहरी गढ़वाल में भी है, तो कोटेश्वर जो है एक माउंट आबू में भी है। तो गाइज इसलिए जो है ये सिमिलरिटी को ले के जो है ये फैक्ट सामने रखे गए हैं, और इसलिए जो है गाइज थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है परमार वंश हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं गाइज इनका मूल निवास स्थान, तो गाइज ये थे गुज्जर प्रदेश से, यहाँ पर राजपूत लोग रहते थे। और जो गढ़वाल है ना, आगे बात करते हैं गढ़वाल में जो है ना उस समय था भानु प्रताप का शासक। भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कराया जो कि 22 वर्ष का था, और कनकपाल धारा नगरी गुजरात से आया था। और इसने दहेज में जो है भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कराने के बाद दहेज में चाँदपुर गढ़ी जो कि चमोली में पड़ता है इसको दहेज के रूप में दे दिया। और बाद में जो है 688 ईस्वी में इस तरीके से इसने इसको राजधानी बनाया, ये बताया गया है, ठीक है। हालांकि हमने 888 ईस्वी भी जो है डाटा को पढ़ लिया है, ये दोनों जो है अपवादों भरा है। इसके अलावा जो है ना गाइज, अच्छा जो ये चाँदपुर गढ़ी अभी हमने पढ़ा ना जिसको राजधानी बनाएगा, ये लगभग 18वां गढ़ होगा, ठीक है ना, 18वां गढ़ होगा चाँदपुर गढ़, क्योंकि अजयपाल 52 गढ़ों को जीतेगा तो तब गढ़वाल जो है बनेगा। दूसरे शासक जो होते हैं गाइस श्यामपाल होते हैं कनकपाल के बाद में, ये 26 वर्षों तक शासन करते हैं। तीसरे शासक पद्मपाल होंगे, ठीक है ना। अच्छा जो प्रथम राजा से लेके 36 तक को गणपति राजा कहते थे, और गणपति का अर्थ होता था एक गण का राजा, 52 गणों में विभक्त था तो एक गण का राजा ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा तो दूसरे शासक होंगे कनकपाल के बाद श्यामपाल, 26 वर्षों तक शासन, तीसरे शासक होंगे पद्मपाल। थोड़ा सा बात कर लेते हैं गए 37वें शासक अजयपाल की, तो अजयपाल जब 52 गढ़ों को विजित करेंगे ना तो इस तरीके से गढ़वाल की उत्पत्ति होगी, ये गढ़पाल हो रहा है, या सॉरी गढ़वाल की उत्पत्ति होगी और इनको बोला गया तब गढ़पाल अर्थात गढ़ों को जीतने वाला, और 1515 में संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र को इन्होंने विजित कर लिया। इस तरीके से गढ़वाल शब्द का जन्मदाता भी जो है गाइज अजयपाल को बोला जाता है। लेकिन जो शिव प्रसाद डबराल हैं इनके अनुसार गढ़वाल शब्द का जो जन्मदाता है इन्होंने बताया मौला राम को, और 1815 ईस्वी में, जो कि काफ़ी बात की बातें बता रहे हैं, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा हम इसे प्रमाणित नहीं मान सकते जो ये डाटा शिव प्रसाद डबराल अभी यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा गए जो 37वें शासक हैं अजयपाल 1490 में गद्दी संभालेंगे, लगभग 31 वर्षों तक ये शासन करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से गाइज थोड़ा सा मैं गढ़ की बात भी आपको यहाँ पर कर लेता हूँ। जो गढ़ होते 52 गढ़ जो हम बात कर रहे थे ना अजयपाल जीतेगा, अजयपाल 37वें शासक को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला गढ़ था गाइज नागपुर गढ़, ये जौनपुर परगना क्षेत्र चमोली में पड़ता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना गाइज अन्य नाम इसका नागनाथ गढ़ भी है, और इसका जो अंतिम गणपति था उसका नाम था भजन सिंह। और 52वां गढ़ या अंतिम गढ़ जो था लोधनगढ़ था, पहला गढ़ नागपुरगढ़, 52वां गढ़ या अंतिम गढ़ लोधनगढ़, और दूसरे नंबर का गढ़ था कोलीगढ़, तीसरे का था खानगढ़, पांचवा गढ़ था बागरगढ़, ठीक है ना। ये इस तरीके से सीरीज को हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सीरीज हमें जो है गढ़ों के बारे में पढ़नी ही होगी, और जानना तो इम्पोर्टेंट है ही, पहला और लास्ट इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो है कुछ कुछ हैं जैसे ओपूगढ़ आगे हम पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कप्फू चौहान की कहानी वहाँ पर हम पढ़ेंगे अलग से अजयपाल वाले लेक्चर में। ऐसे छठा गढ़ जो था गाय कोइलगढ़ था, सातवां गढ़ भरपुरगढ़, आठवां जो गढ़ होगा कुंजड़ीगढ़, ऐसे शिलागढ़ नौवां, मुंगरागढ़ दसवां, रेखागढ़ ग्यारहवां, मोलियागढ़ बारहवां होगा, उपगढ़ जो है ना काफ़ी इंपोर्टेंट होगा वो तेरहवां गढ़ होगा उसको थोड़ा याद रखना, नालागढ़ देहरादून वाला है ये चौदहवां गढ़, सांकरीगढ़ होगा आगे, रामीगढ़ भी होगा, और इसी तरीके से विराल्टागढ़ होगा 17वें नंबर का गढ़। और ये गढ़ों की सीरीज जो है गाइज लगातार चलती रहेगी, और आगे जो है गाइज इसी तरीके से 17 गढ़ तो हमने पढ़ लिए, 18वां गढ़ जो आएगा ये चाँदपुर गढ़ आएगा,
ये भी इम्पोर्टेंट है। भानु प्रताप सूर्यवंशी राजा थे, इनकी पुत्री का विवाह जो है करवाया था कनकपाल से। इन्होंने 19वां गढ़ चौड़ागढ़ है, 20वां गढ़ तोपगढ़, 21वां रानीगढ़, 22वां जो गढ़ है श्री गुरुगढ़, 23वां गढ़ जो है गाइस बधानगढ़ इम्पोर्टेंट है, 24वां गढ़ भी इम्पोर्टेंट है, लोहाबगढ़ आगे हम पढ़ेंगे इसे लोहाबगढ़ को, दसौलीगढ़ आगे अगला 25वां, कंडारागढ़ 26वां, धौनागढ़ 27वां, रतनगढ़ 28वां और ऐरासूगढ़ होगा आपका 29वें नंबर का, इंडियागढ़ होगा 30वां, लंगूरगढ़ भी इम्पोर्टेंट है 31वें नंबर का होगा लंगूरगढ़, और 32वां होगा बाघगढ़, 33वां सॉरी बाणगढ़, 33वां गणकोटगढ़, गणतांगगढ़ 34वां, और इसके बाद वनगढ़ आएगा लगभग 35वें नंबर पर, भरदारगढ़ आएगा 36वें नंबर पर, ठीक है ना, 36वें नंबर पर आएगा भरदारगढ़। आगे गए जाएगा 37वां गढ़ जो है ये चौंतकोटगढ़, अगला आएगा 38वां नयालगढ़, अगला आएगा अजमेरगढ़, कांडागढ़ आएगा 40वें नंबर पर गाइस, 41वें आएगा सावलीगढ़, बादलपुर आएगा, बादलपुरगढ़ आएगा 42वां, आगे आएगा गाइस संगीलागढ़ 33वें नंबर पर, ठीक है ना। तो ये गाइज ये गढ़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख लेना। 44वां गढ़ गुजलूगढ़ जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है इम्पोर्टेंट है। जौंटगढ़ अगला 45वें नंबर पर, देवलगढ़ ये भी पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है 45वें नंबर का ये गढ़ होगा इम्पोर्टेंट, सॉरी 46वें नंबर का होगा, 45वां जौंटगढ़ हो गया। लोधनगढ़ भी हमें देखने को मिलेगा 47 नंबर में, 47वें नंबर में। जौलपुरगढ़ होगा 38, चंपागढ़ होगा 49, डोडरा कारागढ़ 50वां, भुवनागढ़ 51वां और लोधनगढ़ जो है गाइज हमने पहले ही पढ़ा ये होगा 52वां गढ़। तो गाइज ये सब आपको बहुत कम जो है सीरीज में मिलेगी, तो हमने यहाँ पर सीरीज वाइज आपको ये बता दिया है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट कुछ जो हमने इम्पोर्टेंट आपको बोला उनको नोट डाउन करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो गाइज आगे जो आप बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं अगले शासक की, तो गाइज ये हैं सोनपाल या स्वर्णपाल, 1243 से लेके 1250 ईस्वी तक शासन करेंगे, और ये होंगे 24वें नंबर के शासक। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्वर्णपाल या सोनपाल किस नंबर के शासक हैं, तो पवार वंश के 24वें नंबर के शासक हैं। सो गाइज सोनपाल ने इधर भिलंग घाटी में जो है खसो यहाँ पर अधिकार राज कर रहे थे, तो खसो पर इन्होंने हमला कर दिया और पराजित कर दिया खसो को, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी बना दी। और सोनपाल ने जो है गाइस दो राजधानियाँ बनाई अपने समय में, एक था चाँदपुरगढ़ी ऑलरेडी, दूसरा भिलंग घाटी या सोनी भिलंग भी इसे बोला जाता है। तो गाइस याद रखना कि दो राजधानी किसने बनाई, तो सोनपाल या स्वर्णपाल ने ये राजधानी बनाई थी। अगले शासक गाइस ये थोड़ा सा इससे पहले पढ़ लेना था हमें आनंदपाल, लेकिन ये बाद में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन डाटा याद रखना 1191 से 1210 ईस्वी में ये शासक होते हैं। अशोकचल ने जो है इन्हीं के समय में चाँदपुर गढ़ी पर जो है आक्रमण किया, ये पश्चिमी नेपाल का शासक है अशोकचल, आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चाँदपुर गढ़ी से जो है ये आनंदपाल भाग गया और मलवाकोट चला गया और कुछ समय मलवाकोट में राजधानी बनाई, जब तक इधर अशोकचल लूटता और वापस नहीं जाता तब तक ये यहीं रुका, बाद में ये वापस आ गया। अगले शासक आएंगे गाइस कांतिपाल या कादिलपाल, ये होंगे गाइस 25वें नंबर के शासक, और ये नागपुरगढ़ को राजधानी बनाया इन्होंने, और यहीं पर नागपुरगढ़ के पास एक कंडारागढ़ की स्थापना इनके द्वारा की गई है, ठीक है ना। तो गाइज इस तरीके से जो है हमने ये शासकों को पढ़ा, हालांकि हमने बात की थी अगर थंबनेल की बात करें तो 24वें शासक तक बात की थी हमने सोनपाल या स्वर्णपाल की, लेकिन 25वें शासक को भी हमने साथ में कवर कर लिया, क्योंकि आगे जो बात करेंगे गाइज अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे लखन देव जो कि 28वें नंबर के शासक होंगे, जितने भी शासक हमें मिलेंगे ना 37वें शासक तक, क्योंकि एक एग्जैक्ट सीरीज नहीं मिल पाती, इनके बारे में डिटेल नहीं मिल पाता, तो इसलिए 37वें शासक के बाद तो हमें डिटेल मिल ही जाती है, ठीक है ना। तो ये था एक ओवरऑल जो है लेक्चर गाइज, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप गाइज इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अन्य ग्रुपों में भी जो है आप इसे शेयर ज़रूर करें। और गाइज इसके बाद जो लगभग हम 3 लेक्चर करेंगे आफ्टर डेट हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट गाइज ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको
साथ में लेक्चर के साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराएगा। हमारे संस्थान का यूट्यूब चैनल है मेधा सुल्तानी। तो गाइज़ फेसबुक पेज पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज मेधा सुल्तानी से भी आप जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ जाइए। वीडियो लेक्चर को गाइज आज यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लखन देव जो कि 28वें नंबर के शासक होंगे, 28वें नंबर के शासक से लेके आगे बात करेंगे। थैंक यू गाइज़।